नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित जीत के बाद अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। कन्नौज से सांसद के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं। ऐसे में अब करहल विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए खाली हो गई है। इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा और उपचुनाव के दौरान यहां पर अखिलेश यादव किसको चुनावी मैदान में उतारेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आखिरकार अपर्णा यादव के नाम की चर्चाएं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्म होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से यादव परिवार के 5 सदस्यों ने इस लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, वो वाकई एक अप्रत्याशित जीत है। और ऐसे में परिवार की एकमात्र ऐसी सदस्य जो कि सक्रिय राजनीति से काफी दूर नजर आ रही हैं, उनका नाम है अपर्णा यादव। 2022 में नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। योगी आदित्यनाथ की तमाम राजनीतिक रणनीतियों को तैयार करने की भी यहां पर सुगबुगाहट ये तेज है कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ की तमाम रणनीतियों को तैयार करती हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अपर्णा यादव ने सैफई में पिछले दिनों शिवपाल यादव और उनके परिवार से मुलाकात की, अखिलेश यादव और पूरे परिवार को जीत की बधाई भी दी। लेकिन इसके साथ साथ शिवपाल यादव चाहते हैं कि अपर्णा यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं। अपर्णा यादव यदि समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाती हैं तो यादव परिवार के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि यहां से पूरा परिवार एकजुट होकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत की ओर अग्रसर हो सकता है। इस वक्त देखा जाए तो करहल विधानसभा सीट से अपर्णा यादव के लिए चुनाव लड़ना काफी सेफ रह सकता है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, लेकिन अपर्णा यादव की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ने की भी बीजेपी की टिकट पर इच्छा जताई गई थी, वहां से उनको टिकट नहीं मिल पाया था। तो देखना यह होगा कि शिवपाल यादव की तमाम कोशिशों के बाद क्या अपर्णा यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनने जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में शामिल करने को लेकर शिवपाल यादव ये रुख तो स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी पार्टी के लिए और अपर्णा यादव के दरवाजे हमेशा खुले हैं। देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में करहल की यहां पर राजनीति को किस तरीके से समाजवादी पार्टी साधती है और क्या अपर्णा यादव सपा में वापसी करती हुई नजर आती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।